तो केसीसी में एडमिशन लेना चाहते हो तुम लोग, लेकिन अभी भी कंफ्यूज हो कि क्या केसीसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। मतलब काफी कंफ्यूज हो क्योंकि दो चार वीडियोस तुमने अगर यूट्यूब पे देखे हैं या फिर सर्च किया है तो वो जो बताया गया है वो कितना सही है या गलत है ये हम नहीं जानते। तो इसीलिए आज मैं तुम लोगों को रियलिटी बताने वाला हूँ। रियलिटी इन द सेंस कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ और एक दो लोग आकर के यूट्यूब पे या फिर कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं बात सीधा करवाऊंगा यहाँ पे कॉलेज में जो सेकेंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है, मैं दोनों बात करवाऊंगा जो यहाँ खुद कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और मैं अभी हम केसीसी हॉस्टल में हैं तो हम जाएंगे सबके रूम में एक एक करके सबसे पूछेंगे, सो दैट यू कैन गेट टू नो द रियलिटी अबाउट दिस कॉलेज। क्योंकि अगर तुम 10 लाख और 15 लाख रुपए अपने कॉलेज में लगा रहे हो, अपने घर का पैसा खर्चा करवा रहे हो, तो यू डिजर्व टू नो द रियलिटी अबाउट दिस कॉलेज, राइट? तो चलो सब लोगों से बात करेंगे। तो आज हम ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, लेट्स गो। तो यार अगर तुम लोग ये इंटरव्यू देख रहे हो तो पूरा देखना क्योंकि शुरुआत के 2-3 मिनट हम लोग बस ढूंढते ही रह गए किसके साथ बात करना है। तो 2-3 मिनट तक ज्यादा कुछ है नहीं इन्फॉर्मेशन, बट जो एक्चुअल इंटरव्यू स्टार्ट होता है ना, जो एक्चुअल हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन गैदर किया सबसे मिल करके, सबसे बात करके, वो 3 मिनट के बाद हुआ। तो वीडियो में टाइम स्टैम्प लगा हुआ है, तुम स्किप करके कोई भी पार्ट पे जा सकते हो। हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के। ये थोड़े टाइम पहले इंटरव्यू शूट हुआ था इसलिए थोड़ा देर बाद अपलोड कर रहा हूं। तो वीडियो एंड तक देखना, तब जाके तुम्हें पूरा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तुम्हारे पास तो बहुत सारे जगहों पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी लगा हुआ है, यहां भी लगा दे रहा हूं, तो बस जाकर के तुम मुझे मैसेज कर सकते हो एंड कोई भी डाउट हो तो मैं वहां पे सॉल्व कर दूंगा। अब जाके पूरा देख लो। आज वो भी 5th फ्लोर पे है और जो मोस्टली हमारे सेकंड ईयर के स्टूडेंट है जो बीटेक सीएससी के, वो 8th पे और 9th पे रहते हैं। तो पहले हम 8th फ्लोर पे चलते हैं, वहां पे चल के कुछ लोगों से बात करते हैं और फिर पता करते हैं। ओके, तो इसमें रहते हैं 2-3 लोग, 813 रूम नंबर है, प्रियांशु वगैरह है। सो तो नहीं गए, व्हाट्स अप ब्रो? हाय। ये देखो पहले तो हॉस्टल का हाल देखिए, वह काफी मोटिवेशन वाला कॉलेज लग रहा है, मतलब रूम लग रहा है। काफी टाइम बाद आया हूँ मैं इन लोगों के रूम में। कहाँ है प्रियांशु? कहाँ है प्रियांशु? आओ बैठो, इनसे पहले जानेंगे हम, बंद कर लो रूम, बात करते हैं। और ये क्या प्रेस कर रहे थे क्या? सो आवर फर्स्ट कैंडिडेट ऑफ द डे जो हमें बताएंगे केसीसी कैसा है कॉलेज के बारे में। तो केसीसी के बारे में थोड़ा सा बताओ हमें, कॉलेज के बारे में। केसीसी हॉस्टल काफी अच्छा है। हॉस्टल के बारे में हम बात नहीं करने आए, हॉस्टल के बारे में मैंने वीडियो बनाया है और एक नया अपडेटेड भी बनाया था। तुम्हारे मन में जो तुम्हें पता है कॉलेज का एनवायरमेंट, कॉलेज कैसा है एंड ऑल, तुम बोल सकते हो। सबसे पहले हॉस्टल में अच्छा, हॉस्टल अच्छा है पहला चीज, ठीक है। मैं मानता हूँ कि यार कॉलेज बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। अब बात रही अगर भाई साहब तुम जेई क्लियर कर पाए हो उस सिचुएशन में, तो मतलब जो दे रहा है, जो चीज तुमको ऑफर किया जा रहा है, इतने में इतना ही मिलता है। और मतलब कॉलेज का माहौल वगैरह कैसा है, लड़की वड़की का कोई सीन है क्या यहाँ पे, है लड़कियाँ वगैरह? अरे बोल तो, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। लेट्स गो इन 917 रूम नंबर। इन लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि इनका क्या कहना है अबाउट दिस कॉलेज। कहाँ है भाई दानिश? ये कहाँ है, इससे बात करना था मुझे। कौन से रूम है? 925 में। चलो इसमें तो मैं ही रहता हूँ। 925 अर्पित से बात करते हैं, यहाँ भी सब गायब है। What's up bro? ये है हमारे सेकेंड ईयर के एक और स्टूडेंट, दिस इज आयुष। और आयुष क्या हाल है? सही है। हाँ, ब्लॉगिंग है, केसीसी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं हम, बताओ कुछ। मैं कॉलेज जाऊंगा तो उन्हें बताऊंगा। देखो ये तो कॉलेज ही नहीं जाता, सेम कैटेगरी है। हाँ तो भाई हमने सबका इंटरव्यू ले लिया है, अब आप लोग बचे हैं, कॉलेज के बारे में जानना है हमें आप लोगों से। अभी एक दो खा ले क्या? देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हें जो रियलिटी पता है वही बताना। इन्हीं से शुरू करते हैं, मतलब कॉलेज कैसा लगता है? ठीक है, अच्छा। मतलब प्लेसमेंट के बारे में कुछ बताओ भाई। मेरा इंटरफेरेंस कम है कॉलेज में, मैं जाता रहूँ। अटेंडेंस का क्या सीन है, अटेंडेंस वगैरह के बारे में? मेरी कम है। नहीं तुम्हारी तो कम है। और लड़कियों वगैरह का सीन है? लड़कियां क्लास में हमारे नहीं है, काफी मंदी चल रहा है। इससे बात करते हैं। हेलो ब्रो, दिस इज प्रियांशु। हाँ प्रियांशु, हाँ भाई बताओ कॉलेज के बारे में, बताओ कौन सा कॉलेज है, क्या है? बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत ही बढ़िया। प्लेसमेंट बताओ थोड़ा कुछ, प्लेसमेंट के बारे में नहीं पता। नो आइडिया भाई, नो आइडिया। ऐसे कोई कंपनी जो टॉप 5 कंपनी जो हमारे कॉलेज में आती है, ये बंदा है, इससे बात करेंगे। दिलदार नहीं, ये दिल का बहुत वो है, डेंजरस मैन। दानिश भाई, ही इज आल्सो इन सेकंड ईयर, कौन सा ब्रांच है? सीएससी है, सीएससी कोर। कोर नहीं, वो है ना AIM। अच्छा हाँ, और कोई तो ब्रांच है नहीं हमारे पास सीएससी के अलावा? ना ना, ब्रांचेस तो है। हाँ AIML है और है। नहीं मतलब सीएससी में आ जाता है ना सब कुछ। हाँ, तो सीएससी में। तो बताओ फिर केसीसी कैसे आ गए? घूम फिर के पहुंच गए कैसे भी। मतलब केसीसी अगर कॉलेज का एनवायरमेंट के बात करें तो कैसा, मतलब तुझे कैसा लगता है पर्सनली? पर्सनली एवरेज कह सकते हैं, और फेस्ट तो ऑब्वियसली बात है नहीं होता।
और प्लेसमेंट के बारे में कुछ बता, अपना प्लेसमेंट कैसा है कॉलेज में? प्लेसमेंट का मुझे क्या मालूम, फिर भी कॉलेज में सबको पता होता है भाई प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का एक बंदे का सुना तो था कि 12 लाख का लगा है ना, लेकिन वो बाहर से लगा, कॉलेज से नहीं। तुझे ऐसे कोई 5 टॉप 5 कंपनीज का नाम पता है जो हमारे कॉलेज में आता है? ना ना, अभी तो TCS, विप्रो, इंफोसिस, कैपजेमिनी, कोई भी आता है? तो ये है, कुछ और भी है और लोग से बात करेंगे, इसी से बात करते हैं, आ जाओ। तो बताओ प्लेसमेंट के बारे में बताओ, क्योंकि देखो सबसे पहला कंसर्न अगर किसी का होता है, तू भी अगर एडमिशन लिया होगा तो तूने सर्च किया होगा ना, व्हाट इज द टॉप प्लेसमेंट अबाउट KCC? मैंने कुछ सर्च नहीं किया, मैं तो ऐसे ही आ गया था मजे लेने। सेकंड ईयर में आ गए यार हम लोग, कॉलेज का एनवायरमेंट, कोडिंग कल्चर कैसा, यही बता दे। कोडिंग कल्चर हाँ एवरेज है। तो है बहुत सारी बातें, सब कुछ तो नहीं बता सकते, 1-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, लेकिन सो यू बी स्मार्ट एंड चूज अकॉर्डिंगली फॉर योरसेल्फ। और लोगों से बात करेंगे, फर्स्ट ईयर, अभी ये सारे सेकंड ईयर वाले बंदे थे, यहाँ फर्स्ट ईयर वाले हैं उनसे बात करते हैं। पहले तो नाम बताओ सब लोग अपना अपना, तुम्हारे जूनियर्स आने वाले हैं, हम उनके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, उनको बताना है कॉलेज के बारे में। वी वांट टू नो अबाउट द कॉलेज। मुरारी मोहन त्रिपाठी। कौन सा ब्रांच क्या है? बीटेक सीएससी कोर। सीएससी कोर। आशीष शर्मा। आशीष अच्छा लड़का है। अनुज विश्वकर्मा। अनुज, तो पहले बात तो ये बताओ केसीसी में कैसे आए? ऐसे आए तो आपकी वीडियो सही थे, नीचे कमेंट सेक्शन में हम लोग मिल गए थे आपस में पहले कॉलेज आने से पहले। उसके तुम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया, इन लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया, अभी रिसेंटली एग्जाम खत्म हुआ है और सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, तो अभी तक कॉलेज के बारे में क्या रिव्यू दोगे? कॉलेज कैसा है, कॉलेज का एनवायरमेंट कैसा है, कॉलेज में पढ़ाई कैसी है, लड़के लड़कियों का क्या सीन है, प्लेसमेंट के बारे में बताओ। पढ़ाई ठीक है, टीचर्स कैसे हैं? है सपोर्टिव? हाँ सपोर्टिव, बस अटेंडेंस के लिए सपोर्टिव है, बस सपोर्टिव। अटेंडेंस का क्या सीन है, अटेंडेंस के लिए कितना परेशान करते हैं कॉलेज वाले? कह सकते हैं 100% अगर मार्क्स देना हो तो। अगर इतना टाइम हो गया तो मुझे बताओ कि तुम्हें अभी तक प्लेसमेंट के बारे में क्या पता चला कॉलेज का? अपने पे है पूरा प्लेसमेंट पूरा। तुझे क्या पता चला अभी तक? मुझे ऐसा लगता है एवरेज तो 4-5 के लगवा देंगे अगर हमने थोड़ी सी मेहनत करी। कोडिंग कल्चर है अपने कॉलेज में? सेकंड ईयर वालों में शायद थोड़ा बहुत है, लेकिन अब हमें पता नहीं है कुछ खास इसमें। तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में तो था सी? नहीं अभी आया, अभी आया सेकंड सेमेस्टर में, अलग अलग अल्टरनेट पे रहता है। ओके, सुनने में आ रहा कोडिंग सेक्शन ये वालों करवाया जा रहा है। तो आप लोग जैसे सीनियर जो लोग हैं उनके साथ ग्रुप बन, इसमें फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं कुछ 712 है ना, इनसे बात करते हैं। कुछ तो ये लोग गलत कर रहे हैं, इसलिए ये दरवाजा इसलिए नहीं खोल रहे ये लोग। सकून खुला ही है। What were you doing? You were sleeping. Where is Nazim and all? Nazim 501. We were shooting a video and we just wanted to know about the KCC from each student. This is the last person who I'm going to talk. Yeah. Let me sit here. So, tum ho first year mein na? Yeah. What's your branch? CSE core. Tell me about KCC, something about KCC. It's better than college. आसपास में जो है उससे बेटर है थोड़ा। उससे बेटर क्या? What do you like about KCC college? I to like it because थोड़ा quiet है। बाकी कॉलेजेस कोई नहीं है। क्या सोच के एडमिशन लिया था? आई तो टुक इट बिकॉज कोई तो मिल नहीं रहा था मुझे। दिस इज द सेकंड कॉलेज जो मैंने देखा एंड फर्स्ट वाज शारदा, आई हैव टू चूज वन, तो आई जस्ट चूज केसीसी। सो डिड यू नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू टेकिंग द एडमिशन एनीथिंग अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ द सीएससी? व्हाट वाज द एवरेज प्लेसमेंट, व्हाट वाज द हाईएस्ट प्लेसमेंट, यू नो एनीथिंग अबाउट दैट? आई सॉ एक बैनर, वाज लाइक ठीक था उसमें। तो एवरेज कितना है इस कॉलेज का बता सकते हो? 2-3 LPA, 4-5 LPA? 4-5। कोडिंग कल्चर के बारे में कुछ पता है? यार तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले जो है दे आर मेंटरिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तो यार थोड़ा तो डेवलप हो रहा है, थोड़ा डेवलप हो रहा है। और कुछ तो तुम्हें ऐसा अच्छा लगता है या फिर कॉलेज के बारे में बुरा लगता है वो बताओ, 1-2-3 points बताओ ऐसे। चलो चिल है कॉलेज। कम, वी हैव अनदर गेस्ट, welcome him, now you can take some rest, we're going to talk to him and put your phone down, come in the frame buddy, we were all waiting for you here. So this guy here is from Kerala and he's officially my roommate as well, and we're going to get to know about the college from him. We're going to talk in English because his English is good and Hindi is also good I guess, so we can talk in both languages, we can talk in mix. Najim naam hai inka. Hey Najim, how are you? I'm fine. Where are you coming from? 717. College se shuru karte hain, we are shooting this video for the college, not about the hostel. Okay, so tell me how you got to know about the cases and why did you came to this college? Actually, I got to know about KCC from a college side, that like college dunya and college side non-shiksha, and the reviews were positive, and I did some research on the college, on Quora and other types of sites, and it was overall positive, and like it met every demand I had. Okay. Requirements. That's what you saw on the Quora and the Shiksha, all of the other platforms, but how much of that was true? How much of those reviews that you read is true actually that you have found here in the college after coming back here? Actually, even if we take the review for the matter, I was not expecting something phenomenal and all from those reviews. They were quite promising at the time, and when I reached this college and started having it's actually my second semester here, so
mostly the point. Tell me something about the placement of this college after coming back. What you saw? What I saw was something like, you can never say that almost everyone is placed and all, because some might be from campus placement, some might be from outside. There's a show on a guy with an MBA who had like 95 LPA. So people would think that, yeah, he was a data scientist in US. He has an undergraduate, he has an postgraduate. And postgraduate always adds value to your job and your stature in the field. Any company that you can name that comes in our college for the placement? The companies you know in my mind and are actually the, from the posters and all. I don't know any you other. You don't any companies? No other than that. Tell me about the college culture and all. Any fest happens or clubs and all? Fest is something we are still waiting to see. And clubs are there. There are music club, art and drama. There are clubs like that. It is mandatory that student must take part in a minimum of 2 clubs. So that. But there, as such, there is no clubs and all. They say that there are, but it doesn't run. That I have seen and everyone has seen. I mean, mechanically, there are many. This very important question that a student will think of is how the classes runs. I mean, how good are the teachers? How interactive they are? How helpful they are? Do you find teachers helpful? Do they help in studies? Or you have to mostly study from the YouTube? Well, actually, some things I'd like to add on that one. Like, wherever a school or college maybe, and they see you, the teachers are perfect, that's a white lie actually, because no teacher is perfect. Nobody is perfect. They're still learning themselves. We can't never. There's no stop to education for that matter. But are they really helpful to us? And in that, can case, we consider them to teach us that subject? I'll say that the same point I made in my previous point. The teachers are divided. Some are really helpful. Some are moderate. Nothing less than that. Nothing more than that. They'll provide the help they think we want. Nothing above that. If you had to rate from 1 to 10. What would be the average rating for all the teachers? Number two, everyone in a 6 to 7. Exam close, and at that point, YouTube is something that helps you. That's the reality. I think that's all we have to talk. There is nothing much we can talk.